है आपकी कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस दो तरह की है, एक तो सिंपल है, ऊपर लिख दो संपत्तियां और यहाँ लिख दो दायित्व, या यहाँ दायित्व लिख दो या संपत्ति लिख दो, या आपकी नई तरह की जो बैलेंस चाहिए नई बैलेंस शीट आपकी, वो भी बना सकते हैं आप नई बैलेंस शीट चाहिए। एक सिंपल सिंपल सबसे अच्छा ये है कि यहाँ तो लिखो सारे के सारे लाइबिलिटी, यहाँ लिखो सारे के सारे संपत्तियां, तो भी याद कर सकते हो। और जो नई बैलेंस शीट आई है नई 2013 के बाद, वो बैलेंस क्या है वो उसे बना सकते हो। सबसे पहले आता है उसमें आपके इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जिसके अंदर आपके नंबर वन पॉइंट है, पहला पॉइंट उसमें पहला पॉइंट है आपके शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड इसमें भी आपके नंबर ए है आपके शेयर कैपिटल दे रखी है, इसमें नंबर एक है आपके शेयर कैपिटल। अब कौन सी कैपिटल है इसमें, एक ही कैपिटल है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना दे रखा है आपके 10 लाख, और 2013 का दे रखा है आपके 12 लाख। ये नई तरह की बैलेंस शीट जिसमें आपके इक्विटी एंड लाइबिलिटी में तीन पॉइंट है, तीन में आपका दो पॉइंट है, एक तो शेयर होल्डर फंड है और एक गवर्नमेंट फंड है। इसमें देखो आपके एक ए नंबर में है शेयर कैपिटल और बी में है आपके रिजर्व एंड सरप्लस। ये नई बैलेंस वो भी आपको याद करनी पड़ेगी, याद है जरूरत नहीं, वैसे क्वेश्चन खूब सारे हैं आपके सामने आए जो आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब इसमें आप रिजर्व सरप्लस में क्या क्या दे रखा है, एक ही है रिजर्व इसी का ही दे रखा है आपके, ये तो है 8 लाख का और ये है आपके 8,80,000। फिर ए का पॉइंट नंबर दो यहां पर इसमें आएगा आपके लोन एंड फंड्स, इसमें दो चीज आएगी, नंबर वन नंबर ए तो आएगा आपके सिक्योर लोन जिसके अंतर्गत आते हैं डिबेंचर, और दूसरा आता है आपके अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन होते हैं आपके लॉन्ग टर्म लोन, वो होते हैं वो दे रखे हैं, ये तो है आपके 5 लाख का और ये है आपके 6 लाख का, ये है 8 लाख का और ये दे रखा है आपके 6,60,000 का। फिर है आपके इसी का ही नंबर तीन पॉइंट आता है, नंबर एक में शेयरहोल्डर फंड में दो भाग, नंबर दो में लॉन्ग फंड में दो भाग, इसके अंदर यहाँ डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन आता है, लेकिन आपके साथ दिया हुआ नहीं है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लिखा हुआ है, यही लिखो। फिर तीसरा आया था, तीसरा है आपके करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में खूब सारे भाग है, पहला भाग था अकाउंट पेबल आता है दो चीज, क्रेडिट और पेबल, फिर अदर बैंक ओवरड्राफ्ट है, और दूसरे अगर आउटस्टैंडिंग खर्चा है, एडवांस आ गया इनकम, वो वाली चीजें हैं आपके। इसमें क्या है आपकी करंट लायबिलिटी, देखो यहाँ दे रही है करंट लायबिलिटी 3 लाख और 5,20,000, तो यहाँ कितना है आपके 3 लाख और वहां है 5,20,000, और वो करंट लायबिलिटी देखो प्रोविजन दे रखा है, देखो इसमें भी आपके करंट लायबिलिटी हो गई, अब देखो प्रोविजन है, प्रोविजन भी ले लो, प्रोविजन भी आपके करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन दे रखा है 1 लाख और 2 लाख, 1 पॉइंट हमने रह गया पीछे वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये कहाँ आता है, ये आता है इसमें से लेस होता है, मिसलेशन एक्सपेंसेस कहाँ से सरप्लस से लेस होता है, मतलब के 5 लाख है, 8 लाख में 5 लाख घटे कितने बचे आपके 3 लाख। लिखा हुआ है रिजर्व सरप्लस माइनस मिसलेशन एक्सपेंसेस, इसमें से ये घटाया हुआ है, तो 4 लाख इधर से घटा रहे कितना आएगा 4,80,000। नहीं तो सिंपल, अगर आप सिंपल में चीज गलत है तो सिंपल ये है दायित्व है, तो यहाँ पर सिंपल दिया था साल ऑटोमेटिक से हो जाएगा, लेकिन नहीं बैलेंस गलत है तो ये नहीं बैलेंस है आपके। और कौन सा वो पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं, कंप्लीट। जैसे ये पॉइंट हुआ तो अब इसे क्या कर लेंगे, हम जोड़ कर लेंगे, ये आएगा आपके टोटल करेंगे 10, 3, 13, 13 और 13, 26 और 4 कितना हो गया आपके 30 लाख, ये भी कितना हो गया आपके 12 लाख प्लस 480 प्लस 60 35
बावन और 20, ये होता है 36,08,000। ये भी होता है 10 × 3 = 13 और 13 × 26, ये होता है 13 × 26, 26 और 4 कितना हो गया आपके 30,00,000। अब यहाँ पर आएगा आपके नंबर बी पॉइंट, इसमें आएगा आपके असेट्स। असेट्स में दो पॉइंट ही है मेन, तो एक तो है आपके नॉन करेंट, नॉन करेंट असेट्स, और एक है आपके करेंट असेट्स। तो नॉन करेंट में क्या आएगा आपके, नॉन करेंट में दो चीजें, एक तो आएगा आपके नंबर ए पॉइंट, वो है आपके फिक्स असेट्स, और नंबर बी पॉइंट है आपके इन्वेस्टमेंट। बाकी वाला फिक्स, लेकिन चलेगी आपके 19,18,000, ये हो गए आपके 19,00,000 और वो हो गए आपके 18,00,000। फिर हो गया है 8,16,00,000 करंट लाइबिलिटी, ये करंट एसेट 8,00,000 और 16,00,000 इन्वेस्टमेंट है क्या अंदर, लेकिन इसी का एक भाग है लोन एंड फंड्स, इसमें आता है लोन एंड फंड्स, भाग यहाँ आएगा सर करंट एसेट में, लोन एंड फंड्स, लोन एंड एडवांस, मतलब तीन पे एडवांस कह सकते हैं। एडवांस कितना है 3,02,00,000, ये हो गया 3,00,000 और ये हो गया 2,00,000, जोड़ करोगे ये कितना होता है आपके 30,00,000, ये दो 30-30 मिल के, और ये 36, तो ये भी कितना हो गया आपके 36,00,000। यस, इसका और पूछताछ और समझाएंगे बाद में, ये और खूब सारे क्वेश्चन है आप सुनने जा रहा, बस जमा दे, जमाने के बाद वही तरीके जो हमने पहले बताया, तो कॉम्पिटेटिव का तरीका क्या है, टोटल को 100 मानना, इसको मानना है टोटल को 100 मानना, यहाँ 100 माना, और यहाँ भी क्या मानेंगे 100, यहाँ भी 100 मानेंगे, यहाँ भी 100 मानेंगे, क्योंकि टोटल है कितना है 30,00,000 है, 30 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों 100 आएगा। अब 4 0 माइनस 4 0 भी उड़ाएंगे और साथ में आपके 3 का भाग देना पड़ेगा। देखो जैसे मैं 3 0 हटाऊंगा, 4 0 हटाए 300 आएगा, 300 3 का भाग, 300 3 का भाग, अरे 3 का भाग देंगे ना 300 में तो कितना आता है, 100 आता है, तो सब में 3 का भाग देंगे, 4 0 हटाएंगे, ये 4 हटाए 3 का भाग कितना आएगा 33.33, इसमें 3 0 हटाकर 4 हटाकर 3 का भाग देंगे तो 10, इसमें 4 हटा 3 का भाग देंगे तो 50 / 3 16.67, यहां से कर सकते हो 5,32,00,000 × 100, 8,32,00,000 × 100, तो 8/30 × 100 ये हो जाएगा आपके 26.67, फिर 3/3 10, 1/3 3.33, फिर यहां 19/3 63.33, 8/3 मतलब के आपके 26.67, 3/3 10 10, अब यहां 100 माना है तो कितना 36,00,000 है, कितना है 36,00,000, 4 0 तक है, अब देखो 12/36 कितना 33.33, फिर 48/36 ये होता है आपके 13.33, 6/36 ये होता है 16.67, 6.6/36 कितना है 6/3 18.33, फिर है आपके 5/20/36 परसेंटेज याद करेंगे तो आता है आपके 14.44, फिर है 2/36 परसेंटेज करेंगे तो ये आता है आपके 5.55, वैसे यहाँ याद करेंगे 18/36 50%, 16/36 परसेंटेज याद करेंगे तो आता है 44.44, फिर 2/36 पर लिखा हुआ है आपके 5.55। अब यहाँ है आप, ये तो हुआ कॉमन साइज जिसमें टोटल को 100 मानते हैं, अब इसमें क्या डिग्री इंक्रीज क्या करना है, पहले था 10,00,000 तो हो गया 12,00,000, तब बढ़ गया आपके 2,00,000 बढ़ गया, पहले 4 से अब था 3,
तीन लाख बताओ कितना बढ़ गया आपके, 1,80,000 बढ़ गया, 1,00,000 छह भाग 1,00,000 बढ़ गया, 6,60,000 कमी हो गई इस बार उल्टा, मतलब माइनस में 1,40,000। फिर तीन का पांच मतलब कितना बढ़ गया, 2,20,000 बढ़ गया प्रति है। फिर 1,00,000 और ये 2,00,000 कितना बढ़ गया आपके, 1,00,000। ये सारा क्या है आपके प्लस, लेकिन ये एक क्या है आपके माइनस, अपन कैसे क्या करेंगे, यहाँ कितनी वृद्धि हुई 6,00,000। अब 2,00,000 भाग 10,00,100 वृद्धि या कमी बटा 10,00,100 करेंगे तो क्या 2,00,000 बटा कितना होता है आपके 20%। 1,80,000 भाग 18 मतलब 60%, 1,00,000 भाग 5,00,000 20%, 1,00,000 5,00,100, 1,40,000 भाग 8,00,000 ये होता है आपका 17.5%, वो भी क्या है कमी, 2,20,000 भाग 3,00,000 परसेंटेज याद करेंगे तो आएगा 73.33%। फिर 1,00,000 मतलब 100%, फिर 6,00,000 30 20%, फिर यहां भी ऐसे करेंगे कितना है 1,00,000 की क्या हुई आपके उल्टा कमी हो गई, ये 8,00,000 थी 10,00,000 कितना हो गया आपके, यहाँ 8,00,000 की वृद्धि हुई, 3 का हो गया 2,00,000 मतलब 1,00,000 क्या हो गई आपके कमी हो गई, और यह हो जाएंगे आप वही 6,00,000 के आएंगे, 8,00,000 माइनस 2,00,000 6,00,000। अब याद होगा आपके 1,00,000 भाग 19,00,100 1,19% याद करेंगे तो ये होता है आपके 5.26% की कमी। फिर 8 भाग 8 मतलब 100%, 1 भाग 3 मतलब 33.33 माइनस, वो भी माइनस में, और यह कितना आएंगे फिक्स 20%, कितना 20 ऊपर आएगा वही आएगा यहाँ पर 20%। ये कॉमन साइज और कॉम्प्लीट दोनों।